الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يوم هم بارزون لا يخفى على الله شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فوقا جائے گا کرن میں سنکھ میں नागहां वो लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर अपने रब की तरफ तेज तेज दौड़ रहे होंगे कहेंगे है खराबी किसने हमको खड़ा कर दिया हमारे ख्वाबगाहों से सोने की जगह से हाजा मावादर रहमान ये वो है जो रहमान ने वादा किया था कि मरकर उठना है और रसूलों ने सच कहा वो दिन जबकि सब लोग बेपर्दा होंगे बेपर्द
सारी दुनिया नंगी होगी, क्या मर्द और क्या औरत, अमीर गरीब बादशाह सब, छोटे बड़े अंबिया औलिया असहाब सब क्यामत के दिन कब्रों से उठते ही सब नंगे बेपर्द होंगे, कोई कपड़ा उनके ऊपर नहीं होगा। अल्लाह से उनकी कोई चीज मख्फी नहीं होगी। उस रोज पुकार कर पूछा जाएगा, अरे बताओ आज किसकी बादशाही है, कोई बोलता ही नहीं है, बोलने की ताकत ही नहीं है कि कोई बोल सके, किसी की हिम्मत नहीं। लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, खुद अल्लाह करीम कहेंगे एक अल्लाह की बादशाही है जो बहुत बड़ा जबरदस्त है। अल्लाह वाले हो दिल लगा के अल्लाह रसूल दियां गल्लां सुनने चाहिए, इधर उधर ना देखो, मेरे वल वेखो, मैं तुहाडे वल वेखां। सोना रसूल साहबा नू देखदे, साहबा सोने रसूल नू देखदे। क्यामत आ गई भाई जान, ना पैरां में जुत्ता है, ना सिर से कोई टोपी है, सब नंग तड़ंग ने, कोई छोटा या बड़ा। अम्मा सिद्दीका ने क्या कि या रसूल ने की बनेगा, मर्द औरत सब बरहना नंगे होंगे। आपने फरमाया हर बंदा इतना मगन होगा उन्हों किसी की कोई होश नहीं, उन्हों अपनी फिक्र पई ही कि पता नहीं मेरा की हाल हो रहा है। ओ भाइयो, ए वक्त आएगा, यक बेदुल्लाहुल अर्श, अल्लाह ताला जमीन मुट्ठी च ले लेंगे, यक बिस्समावात बियमीन, अपने दाएं हाथ में आसमान नू लपेट लेंगे, और अल्लाह कहेगा अहनल मलू अनल मलिको, मैं बादशाह हूं, कहां जमीन के बादशाह, बोलो कौन है। अल्लाह खुद कहेंगे मैं ही बादशाह हूं, कोई बादशाह नहीं है, मैं ही तो था जिसने इन बादशाहों को बादशाह बनाया, ये कौन बेचारे थे। तारीख दा ए काबले जिक्र वाकया है भाई जान, जरा दिल लगा के अंदरों होके, और मैं पहली गल नाल ये भी अर्ज करा, जब तक खतीब दे नाल अकीदत मंदी नहीं होगी, दिल साफ नहीं होगा, उन्नी देर तक किसी नूं फैज नहीं मिल सकता। इस वास्ते दिल साफ करके दरवेश फकीर की गल सुनो, बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह कहेगा तो मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। दिल नूं पुछो कित्थे रहिंदा है, की करदा है, दिल उत्ते तो सारी गल है।
तारीख का यह वाकया काबिले जिक्र है कि सासानी खानदान का फरमा रवा सी, नजर बिन अहमद उनका नाम से, जो नैशापुर में दाखिल होया तो उन्हें एक दरबार मुनक्कद किया। तख्त उत्ते बैठन के बाद फरमाइश की कि कार्रवाई का इफ्तिताह कुरान करीम की तलावत तो किया जाए। ये सुन के एक बजुर्ग अगे बढ़े, उन्होंने इस रकू की तलावत की जिंद लेमन मुल्कुल यौम आया सूरत मोमिन 24वां पारा। जिस वक्त वो इस आयत ते पहुंचा कारी बुजुर्ग लेमन मुल्कुल यौम तक, तो नजर बिन अहमद उत्ते हैबत तारी हुई, लरजा होया, तखत उतरिया, ताज सिर तू उतार के सजदे च गिर गया, बोलिया ऐ रब तेरी ही बादशाही है ना कि मेरी। उस बादशाह नू हकीकत दी समझ आ गई, कैसी खादी बादशाह है, कौन बादशाह, अल्लाह, कोई बोल नहीं सकता हजरत साहब, इसे ताकत ही नहीं बोलने दी, उनके सामने कौन बोल सकता है। अयो जा दिन जिन्ना मैं जिक्र किया हदीस पाक में आया, हजरत इमाम अबू हुरैरा रावी ने हदीस दी, जिन्ना ने 3 साल की कलील मुद्दत 5374 हदीस दे हाफज हो गए। 3 साल के दिन गिनो, मालूम होया कि एक दिन में 5 हदीसां सोने रसूल को याद कर दी, एक दिन में 5 हदीस, 3 साल 5374 हदीस याद कर ली। फरमा देने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबा 7 बंदे ऐसे होंगे, युजिल्लो हुमुल्लाहु फी जिल्लिही यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लहु। 7 आदमी ऐसे होंगे जिन्हां नूं अल्लाह साया नसीब करेगा, अरिश्ता जिस दिन कोई साया नहीं मगर उसे नहीं साया, ओ केरे खुश नसीब ने, खुश नसीब ने जेड़े इन 7 आदमियां ग्रोह विच दाखिल होंगे। सब तो पहला है अल इमाम अल आदिल, अल इमाम अल आदिल बादशाह हो के मुल्क का सरबरा हो के अदलो इंसाफ करे। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और वो जवान जिंदी सारी जवानी बेदाग गुजरी अल्लाह की इबादत में, फरमाया रसूल करीम ने तजब्बजू या माशर शबा, जवानों
अपनी जवानी महफूज करने वास्ते देना तू बचन वास्ते शादी करो। शादी करने का फायदा इन्नौ अगद लिल बसर व आसन लिल फर्क, तुहाडी अख नीची हो जाएगी, शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी, जिना तो बच जाओगे, जवानी बेदाग गुजर जाएगी। जेड़ा जवान है शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं मिलता, फाले ही बिसा उन्हें चाहिए नफरी रोजे रखे, पर इन नहूल हो भी जा इन्हें नाल उनके अंदर एक ऐसी चीज पैदा होगी जो जिना तो बच जाएगा। सारी उम्र गुजारी अल्लाह की इबादत है। बड़ा मशहूर वाक्या है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वक्त दे वली सन। मेरा ईमान है कि अगर किसी वली दे नजर पै जाए, बशर्ते कि वो चोर डाकू ठग अय्यार मकार धोखेबाज ना होवे, सही वली होवे, अल्लाह दा उनकी ज़ियारत नाल 70,000 फरिश्ता दुआ करना है। बंदे नहीं मिलते, नहीं लगते गोल मोल खचरे अय्यार मकार धोखेबाज, पकीजे इंसान कितने लगते हैं, कितने रहना तू पाकां दी तलाश विच रहो, कोई मिल जाएगा। लेकिन एक गल है, नबी नू वेखन वास्ते अबू जाल दी अख नहीं चाहिदी, सिद्दीक अकबर भी चाहिदी। अख अख विच बड़ा फर्क है काका, मां बाप नू पूरी पा के देखिया जहन्नम मिली, रहमत दी नजर नाल देखिया ते अल्लाह ने कहा तू मेरा मैं तेरा, नजर नजर विच बड़ा फर्क है काका। तेनू की पता नजर की है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तो रुखसत होए, कहंदे ने मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिन्हें 3 सिफत मौजूद होवन, तहज्जुद गुजार होवे, नंबर 2 तकबीरातुल उला दे नाल नमाज पढ़ी होवे, नंबर 3 जिंदी अख पाक होवे, जवानी विच कदम रखन दे बाद उन्हें कदी पराई औरत नूं ना वेख्या होवे, हजरत दी वसीयत पढ़ के सुनाई गई, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ज़ुहाद, बड़े बड़े नेक बंदे मौजूद, मगर शमसुद्दीन अल्तमश तुगलक खानदान दा बादशाह हिंदुस्तान दा, हजरत साहब अगे बड़े कहन लगे ख्वाजा साहब जान लग गया मैनू नंगा करके गए हो, ये सिफतां ते रब ने मेरे च पाइया ने, मेरी कदी तहज्जुद कज़ा नहीं, बादशाह कहंदा है मेरी कदी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, और मैं अल्लाह दे फजल नूं जिक्र करके कहना कि मैं किसी पराई औरत नूं अमदन जान बुझ के नहीं वेख्या, हर नमाज तकबीरतुल उला नाल पढ़िए,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੇਕੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹੀ ਬਹੂ ਵਾਹੀ ਬਹੂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਬਰੀਲ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਯਾਰ ਆਪ ਕਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾ, ਢਿੱਡ ਸਾਫ ਕਰ ਲਾ, ਯਮ ਮਹੱਤਵ ਲਸਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟਾ ਸਰਬ ਰਾਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਦਾ। ਇੰਨੀ ਉਹੀ ਬਹੂ ਵਾਹੀ ਬਹੂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਜਿਬਰੀਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲਓ। ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਕਾ? ਓਏ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸਮਝ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਉੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਾ ਲੰਮਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲਮਹਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣੋ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਨਮੋਹਣਿਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਆਦਿਲ, ਨੰਬਰ 2 ਜਿੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੋ ਨਵਾ ਹੋਈ, ਨੰਬਰ 3 ਰਾਜੁਲੁਨ ਮੁਅੱਲਕੁਨ ਫਿਲ ਮਸਾਜਿਦ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਆਸਮ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਵੇਂ ਮੋਮਨ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
कुछ आदमी ऐसे ने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज इस वास्ते हाजिरी दी सोने रसूल की अदालत में कि सानू दस्या जाए कि अय्युल बेका है खैर जमीन देने किताब ने पलाट ने मकानात ने जमीन में केड़ा हिस्सा सब तो ज्यादा अल्लाह दे हां बेहतर है। फरमाया मैनु पता नहीं जिब्रील आणगे ते मैं दसांगा। सुन रहे हो ओ नहीं भी ताड़ा दिल करदा तमी सुन लो और फायदे च रहोगे बच जाओगे जहन्नम दी अग तो सदी अग जरा माल होगा खुश हो गए। जिब्रील आए उम्मत दे चंद लोग मैनु पुछदे ने जमीन दा केड़ा टुकड़ा रब नु ज्यादा महबूब है। कहंदे ने पता तो मैनु भी नहीं यार चला मैं रब कोल जाके पुछ के फिर दसना। जिब्रील कहंदे ने इस सवाल दे विच इन्नी कशिश सी और एदा सोना सवाल मेरे रब नू लग्या कि अल्लाह दे करीब मैं कदी इन्ना होया ही नहीं जिन्होंने मैनू करीब कर लिया। सुन ले ओ सत्तर हजार हुस्न जमाल दा पर्दा मेरे दरमियान ते अल्लाह दे दरमियान 70,000 पर्दा हुस्न जमाल अल्लाह दा रह गया। उन्दे च एक गुंगट अगर अल्लाह उठावे पर्दे दा पर्दे विचों ला आहरा कत बहत वजी कुल शय उस एक पर्दा हुस्न उठान नाल इन्नी रोशनाई पैदा हो जाए के सारे जहान दिया चीजा पसम हो जा। अजे 69,999 बाकी रह गए। ओए अल्लाह बड़ा ही सोना है और मैं कई बार कह चुका जे अज भी तेनू कहना जे तू सोने का गा के ते रब कहना मेरे ना बद के सोना ही कोनी मेरे ना गल कर लिया कर तू पता नहीं किना ना गल्ला कर ले तेनू शर्म नहीं आती कदी किसी मुंडे नू लै बैठना कदी किसी मुंडे नू लै बैठना तू अल्लाह कहंदे मैं ना बद के सोना कोई नहीं मैं ना गल कर वाकई कोई नहीं सोना। अल्लाह ने क्या जिब्रील ने पहले क्या अर्ज की जी है सवाल मैं लैके आया सोने रसूल पूछा गया। फरमा जाके कहो खैर उल बेकाए मसाजिद होहा व शर उल बेकाए असवाक होहा। दिल लगा के भाईदार ताडा तक काम है आना पहले इत बैठे हो पता नहीं की तनु है 7 दिन में तू 1 घंटा नहीं दे सकते। वारी वारी कोई आंदा है कोई अखीर से आंदा है कोई लगी हुए रब नाल परी तक गल बने फसे हो दुनिया दे विच निकल नहीं सकते तुसीं। और एहसान करदे असीं जुमा पढ़ना है ना तुहाडा एहसान है ना मेरा एहसान है ऐसा अल्लाह दा एहसान है जिहड़ा सानूं लै अपने दरबार विच ते हाथ बन्नण दी उहने तौफीक दित्ती है फकीर बनाया गुलाम बनाया है असी कौन है। खैर उल बेकाए मसाजे दोहा व शर उल बेकाए असवा कोहा। जिब्रील जाके मेरे सोने रसूल जवाब दो इस गल का के सब